रेमो की फिल्म में काम करेंगे सलमान। इंडिया न्यूज 7। मुंबई। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान फिल्म टाइगर जिंदा है के बाद जाने माने कोरियोग्राफर और निर्देशक रेमो डिसूजा की फिल्म में काम करते नजर आ सकते हैं। सलमान इन दिनों यशराज बैनर तले बन रही फिल्म टाइगर जिंदा है में काम कर रहे हैं। यह फिल्म उनकी ही सुपरहिट फिल्म एक था टाइगर की सीक्वल है। चर्चा हो रही थी कि एक था टाइगर के सीक्वल के बाद सलमान अपने भाई सोहेल खान की फिल्म शेर खान की शूटिंग शुरू करेंगे, लेकिन खुद सोहेल ने अपनी बातचीत में स्वीकार किया है कि अभी सलमान फिल्म ऐसे ही नहीं जुड़े हैं। चर्चा हो रही है कि सलमान टाइगर जिंदा है के बाद रेमो डिसूजा की फिल्म में काम करेंगे। बताया जा रहा है कि सलमान इसके लिए रेमो के साथ डांसिंग की क्लासेस लेने जा रहे हैं, क्योंकि वो पहली बार एक डांसर की भूमिका में आ रहे हैं। सलमान ने अभी ऐसे ही अपने किरदार को पूरी तरह ऐसे ही दुरुस्त करना तय किया है, इसलिए वो रेमो के साथ डांस की ट्रेनिंग करेंगे। रेमो ने सलमान के इस किरदार की तैयारी के लिए अलग तरह के डांस फॉर्म की तैयारी की है, जिसमें कई तरह के एक्सपेरिमेंट भी होंगे। बताया जाता है कि रेमो के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म की कहानी डांस ड्रामा बेस्ड होगी। रेमो ने लंबे अरसे ऐसे ही सलमान खान को यह कहानी सुना रखी थी। खबर यह भी है कि फिल्म में वह 13 साल की लड़की के पिता की भूमिका में नजर आएंगे।